आज़ाद है, आए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं आप पाकिस्तान से इस वक्त आए हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? बहुत लाखों लोग बेताब हैं इस वक्त। जी बिल्कुल बाकर भाई, ऐसे ही है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। कोविड की वजह से तमाम मोमिनीन और सारे लोग मुतासर हैं। सबके लिए दुआ है कि मौला जिन जिनकी हसरत है ज़ियारत की, मौला उनको जल्द अज जल्द यहाँ लेकर आए, ये तमाम मामला खत्म हो, कोविड का खात्मा हो इस दुनिया से और तमाम दुनिया सुकून से दोबारा जिस तरह से वैसे हो जाए। सबके लिए दुआ कर सकते हैं और दुआ है मौला सबको अपनी बारगाह में जल्द जल्द। अच्छा आप आज पहुँचे हैं? आज पहुँचे जी बाकर भाई, आज सुबह की फ़्लाइट चाहिए कि फ़्लाइट से हम लोग नजफ़ पहुँचे और इस वक्त हम कर्बला। कितने मोमिनीन हैं कराची में, पाकिस्तान में जो इस वक्त रो रहे हैं? बहुत बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। किसी के पास टिकट है तो उनके पास वीज़ा नहीं है, किसी के पास वीज़ा है तो उनके पास टिकट नहीं है। बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल है। आप उन लोगों के लिए दुआ करें, कोई बोला रास्ता निकाले, अरबईन पे आ जाएं। जी बाकर भाई दुआ है सबके लिए, दुआ है जो लोग रह गए हैं, मौला जल्द अज जल्द उनको अपनी बारगाह में हाजिरी के अशर बख्शे। मोमिनीन से भी बात करना चाहूँगा। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ से आएँ आप? हम कराची से आए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सके हैं, आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? वो तमाम के तमाम हमारी तरह तड़प रहे हैं कि यहाँ आगे हरम है अबुल फजल अब्बास के ऊपर आगे अपना अपनी रिगार्ड पे करें, हरम है सैयद चौदह के दर पे आगे सजदा रेज हों। लेकिन पॉलिसीज की वजह से, वीज़े की वजह से बहुत ज़्यादा उनके साथ मजबूरियाँ हैं। हम दुआ को हैं कि वो भी जल्द अज जल्द आ जाए यहाँ पे मौला के दर पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे गिरिया कर रहे हैं, आज सात मुहर्रम है। देखिए बहुत लाखों लोग हैं जो इस वक्त नहीं आ सके हैं कर्बला और वो बेताब हैं, क्या कहेंगे आप उनके जायरीन के लिए? आप तो यहाँ रो रहे हैं मौला अब्बास के रोज़े में, लेकिन जो इस वक्त नहीं आ सके हैं वो क्या करेंगे? मैं हरम में मौला अब्बास फजल अब्बास के हरम में खड़ा हूँ और उन सब के लिए मुतमन्नी हूँ, मौला ये मुश्किल ख़त्म फरमाएँ, मौला उन सबको जल्द अज जल्द हाज़िरी का इज़्ज़त दें और वो ज़्यारतें अमीर उलमोमिनीन से लेकर सैयद शुहदा की बारगाह में हाजिर हो सके। अच्छा आप पहली दफ़ा आए आ चुके हैं? मौला ने मुझे बहुत दफ़ा इज़्ज़त दिया है, मगर ये तड़प कुछ और है, ये कुछ और है। क्या ये आज की हाजिरी आपके आंखें बता रही है, आप आज ही पहुँचे हैं, क्या कैफियत है? मैं आज पहुँचा हूँ। दो चांद मुहर्रम का जब चांद नज़र आया था तब से मेरी दिल की कैफियत कुछ और थी और सिर्फ़ और सिर्फ मौला हुसैन से इस्तदा थी कि मौला इसने इजाज़त दे दें, इसने दे दें कि हम आपकी बारगाह में पुरसा पेश कर दें। लेकिन शिराजी भाई आप और खुश नसीब हैं, आप पहुँच गए हैं, जो लोग इस वक्त नहीं पहुँचे हैं वो किस तरह, वो कैसे गिरिया करोगे? आपकी कैफियत आज, अभी आज पहुँचे हैं आप पीआईए से, तो वो लोग जो इस वक्त नहीं आए हैं वो क्या कैफियत होगी, कुछ बताइए। मेरी उन सब से, उन सब के लिए दुआ है, मैं उनके जज्बात की अक्कासी मौला के हरम में कर चुका हूँ और मौला के सामने सबके लिए दुआ कर चुका हूँ। मेरी हर जाहिर के लिए, हर मुतमनी के लिए सिर्फ दुआ है कि मौला उन सबको जल्द अज जल्द अपनी बारगाह में इजाज़त दे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज़ादारा मज़ूम कर्बला इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम टीवी कनाडा और बीजी टीवी जर्मनी से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन, और आप दुआ याद कीजिएगा। ये मोमिनीन आज सुबह यानी सात मुहर्रम को आज सुबह पहुँचे हैं, इनके दिल की कैफियत आप देख रहे हैं कि मुसलसल ये गिरिया कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को याद करें जो इस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ईरान में, पूरी दुनिया में, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो आना चाह रहे थे और नहीं आए हैं, उनकी क्या कैफियत होगी ये आपको अंदाज़ा होगा। एक मोमिन और इनसे बात करते हैं, आप कहाँ से आएँ भाई? पाकिस्तान से। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। पाकिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या कैफियत है, आज ही पहुँचे हैं आप? जी मुझे तीन दिन हो गए। क्या कहना चाहेंगे बोले इस वक्त? हमारे लिए और सबके लिए दुआ कीजिएगा। हज़रत-ए-आला ने मज़ूम कर्बला, मैं इस वक्त रोज़ा हज़रत अबुल फजील अब्बास में हूँ और यहाँ सात मुहर्रम है। इस वक्त आप हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रांसमिशन आपको दिखाता हुआ जहाँ से आपको ये मरासी में हज़रत-ए-आला भी दिखाऊँ। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि सबर इश्क आपको मैं मुसलसल दिखाता रहूं और इंशाअल्लाह ताला
आज 7 मुहर्रम है, 8, 9, 10, 13 मुहर्रम तक मैं सरजमीन इराक में मौजूद हूँ और आपको एक ट्रांसमिशन दिखा रहा हूँ। आइए आपको मौला, मेरे पीछे आप मौला अब्बास की जरी देख रहे हैं, ये जरी आपको मौला अब्बास की नज़र आ रही है।